Hi, my name is Dhanveer from Government Polytechnic Bajaj. I teach fertilizer technology. Fertilizer technology में मैंने previous video में मैंने आप लोगों के लिए fertilizer के बारे में बताया. Fertilizer में जो nutrients पाए जाते हैं, जो elements पाए जाते हैं, primary elements, secondary elements, उनके जो elements primary elements, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है उनके बारे में बताया, वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में बताया. नाउ इसके बाद नया पॉइंट स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर. क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? तो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन न्यूट्रेंट तीन टाइप से होता है. सबसे पहले बेस्ड ऑन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स. मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स किसी भी फर्टिलाइजर में पाया जाता है तो उसके आधार पर फर्टिलाइजर तीन प्रकार होते हैं. कौन कौन से? नंबर एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो आपके फर्टिलाइजर होंगे वो तीन टाइप के होंगे. नंबर एक, देयर आर द थ्री टाइप्स. नंबर एक होगा आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर, ठीक है. सेकंड नंबर होगा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. तीसरा होगा आपका मिक्स्ड फर्टिलाइजर, ठीक है. तो आपको बेस्ड ऑन प्राइमरी एलिमेंट्स के आधार पर तीन टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं. सबसे पहले स्ट्रेट फर्टिलाइजर, दूसरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, तीसरा मिक्स्ड फर्टिलाइजर. एक आप पॉइंट्स लिखते जाइएगा. सबसे पहले स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं? स्ट्रेट फर्टिलाइजर आर दोज फर्टिलाइजर जिसमें केवल एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, केवल एक, ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल. मतलब एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है वो स्ट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं. दूसरी बात, जो जैसे आपने देखा कि अगर एन पाया जा रहा है या फिर पी पाया जा रहा है या फिर के पाया जा रहा है, तो अगर एन से पाया जा रहा है, एन टू पाया जा रहा है, तो आपका यूरिया हो गया. फॉस्फोरस सबसे ज्यादा पाया जा रहा है तो आपका डीएपी हो गया. अगर आपके पास में के पाया जा रहा है तो आपका केसीएल हो गया. तो उसके बेसिस पर स्ट्रेट फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होते हैं जिसमें केवल एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, वो स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहलाता है. क्लियर समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर. कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आर दोज फर्टिलाइजर जिसमें दो या तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, दो एंड थ्री प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है. जैसे आप एग्जांपल के तौर पर डीएपी ले लीजिएगा जिसमें P2O5 भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है. आप गौर से देखिएगा, इसमें के भी होता है थोड़ी मात्रा में, के नहीं होता है, एन नाइट्रोजन होता है और उसमें फॉस्फोरस P2O5 परसेंटेज भी पाई जाती है. दूसरी बात, ये आपके क्या से होंगे? दो या दो से अधिक या तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन
कैसे होंगे, केमिकल फॉर्मेशन में, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं, केमिकली जुड़े हुए होते हैं आपस में। लेकिन मिक्स जो फर्टिलाइजर होता है, जिसका एग्जांपल के तौर पर एनपीके फर्टिलाइजर है, इसमें दो या तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वो फिजिकली मिक्स किए जाते हैं। इसमें दो या तीन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फिजिकली मिक्स किए जाते हैं, जाते हैं। अब मिक्स मैनुअल कर सकते हैं, आदमी कर सकता है या मशीन कर सकती है, तो वो आपके क्या कहते हैं, मिक्स फर्टिलाइजर होते हैं। फिर ये समझ में आप लोगों को एक पॉइंट पूरी अच्छे से, बेस्ड ऑन प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के आधार पर तीन टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होता है, तीसरा मिक्स फर्टिलाइजर होता है। स्ट्रेट फर्टिलाइजर आर दोज फर्टिलाइजर जिसमें केवल एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में दो या दो से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन सभी के सभी केमिकली जुड़े हुए होते हैं। डीएपी में देखिएगा सभी के सभी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन मिक्स फर्टिलाइजर में दो या दो से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन मैनुअली वो मिक्स कर दिए जाते हैं, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे। आई थिंक आपके समझ में आ गया वो अच्छे से। मैं इसका दूसरा टाइप कराऊंगा, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, ठीक है, दूसरा बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म के आधार पर दो टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं, कौन कौन से, एक होता है सॉलिड फर्टिलाइजर, दूसरा होता है लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड फॉर्म के बेसिस पे होते हैं, मतलब कि फॉर्म क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड है तो आपको तो बिल्कुल पता होगा कैसे हो सकते हैं, क्रिस्टल प्रिंस के फॉर्म में हो सकते हैं, ग्रैनुलर के फॉर्म में हो सकते हैं, क्रिस्टल के रूप में हो सकते हैं, और हो सकते हैं, और आपके सुपर ग्रेन पाउडर के रूप में हो सकते हैं, ये सॉलिड के रूप में हो सकते हैं। लिक्विड के फॉर्म में तो आपका एग्जांपल बता दूंगा, प्रिंस के फॉर्म में क्या होती है, यूरिया, ठीक है, और आपका क्रिस्टल के फॉर्म में अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। इसके बाद में पाउडर फॉर्म में आपका SST पाया जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट TSP पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ग्रैनुलर फॉर्म में आप ग्रैनुलर में बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है, और आपका जैसे ग्रैनुलर फॉर्म में आपने देखा होगा छोटे छोटे पिल्स फॉर्म को ही ग्रैनुलर फॉर्म, लेकिन उसकी इरेगुलर होती है। दैट मीन जैसे DAP के बाद एक और जो होते हैं पोटेशियम, तो उसमें होता है वो ग्रैनुलर फॉर्म, थोड़ा सा हल्के हल्के पिसा रुका हुआ वो होता है, और उसमें पाउडर फॉर्म भी होता है, और थोड़ा सा छोटे छोटे दाने भी होते हैं, तो ग्रैनुलर फॉर्म। दूसरी बात, लिक्विड फर्टिलाइजर में आपने देखा होगा लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया,
ज्यादा N2 परसेंटेज पाया जाता है 82% लिक्विड अमोनिया में। और कौन सा होता है एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया? लिक्विड यूरिया, लिक्विड यूरिया भी आने लगी है, इसे नैनो यूरिया बोलते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में आने लगी है। ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म तो आप देख सकते हो सॉलिड फर्टिलाइजर और दो फर्टिलाइजर जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, प्रिंस फॉर्म में, ग्रैनुलर फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। लिक्विड फर्टिलाइजर और दो फर्टिलाइजर जो लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, उसके उसमें आपके लिक्विड अमोनिया हो गया, लिक्विड यूरिया हो गया। तो ये आपके पास में दो टाइप के मैंने इसमें बता दिए। नाउ जो आपका तीसरा टाइप बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के आधार पर मैं थर्ड टाइप का भी बताऊंगा। नाउ आई थिंक आप लोगों के लिए जितना मैंने इस लेक्चर में बता पढ़ाया वो सभी समझ में आ गया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ फर्टिलाइजर रिलेटेड आपके पास मिल जाए। थैंक यू।